आईपीएल के दो बड़े कप्तान और दो बड़ी टीमें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, जिनके बीच आईपीएल का 35वां मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पहले तो विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने धोनी के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई और पहले विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी की, जिसमें कप्तान कोहली ने 41 गेंदों में 53 रन बनाए तो देवदत्त पडिक्कल ने 50 गेंदों में 70 रन की तूफानी पारी खेली। उसके बाद उम्मीदें थी एबी डिविलियर्स से, लेकिन एबी डिविलियर्स ने 11 गेंदों में मात्र 12 ही रन बनाए और आउट हो गए। हालांकि उन्होंने एक शानदार छक्का जरूर लगाया, लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। उसके बाद मैदान पर उतरे ग्लेन मैक्सवेल और मैक्सवेल ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। गेंदबाजी पर थे धोनी के चतुर गेंदबाज ब्रावो और सामने बल्लेबाजी पर थे मैक्सवेल। ब्रावो ने जैसे ही गेंद डाली, मैक्सवेल ने इतना लंबा छक्का लगाया कि सब देखते रह गए। खुद वो भी यकीन नहीं कर पाए कि उन्होंने इतना लंबा छक्का कैसे लगा दिया। इसे देखकर महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान रह गए। वो तो यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि ब्रावो के सामने मैक्सवेल इतना लंबा छक्का कैसे लगा सकते हैं कि गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर पहुंच जाएगी। मैक्सवेल के इस छक्के ने सबका दिल जीत लिया। डगआउट में बैठे कप्तान विराट कोहली भी मैक्सवेल का यह छक्का देखकर तालियां बजाने लगे। अगले ही ओवर में मैक्सवेल से उस छक्के का बदला ले लिया और मैक्सवेल 9 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैक्सवेल के आउट होते ही डगआउट पर मायूसी छा गई और आरसीबी ने सीएसके के सामने 157 रनों का लक्ष्य रखा। देखना होगा कि धोनी के बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी दिखाते हैं। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।